Welcome and a very warm welcome, everybody. I have got a very special guest with me today. Aaj mere saath ek Pakistan aur duniya ke number one aur upcoming cricketers hai, a young fast bowler with a lot of talent. But with this time, we're going to do an interview with a little bit of difference. Naseem bhai, kaise ho? Alhamdulillah, main hum theek hai. Bilkul theek. Naseem, rather than doing serious questions, pehle to hum log thoda sa aapke baare, let's find out a little bit more about the Naseem Shah, jo dunia ko itna nahi maloom aapke baare. Favorite sport other than cricket? Favorite sports other than cricket is... स्पोर्ट्स में क्या 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 आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं स्पोर्ट्स में. मेरा फेवरेट फुटबॉल या टेनिस या कौन से स्पोर्ट्स, हॉकी आप पसंद करते हैं? नहीं, फुटबॉल फुटबॉल अगर क्रिकेट की बात है तो फुटबॉल. जी, तो फुटबॉल में कौन सा फेवरेट प्लेयर? फुटबॉल में फेवरेट प्लेयर है, फेवरेट प्लेयर देखने फुटबॉल देखना नहीं मुझे पसंद, खुद खेलना पसंद है. लेकिन मतलब ये रोनाल्डो मेसी ऐसे जे जे प्लेयर्स पसंद होंगे? साला अच्छा, साला, मोहम्मद साला. या और मोहम्मद फेवरेट फुटबॉल टीम नसीम? लिवरपूल? जो अर्जेंटीना. अर्जेंटीना? वाओ, तो अर्जेंटीना में कौन सा फेवरेट प्लेयर है? अर्जेंटीना में मेसी. मेसी. और स्पोर्ट्स के अलावा फेवरेट फूड बताएं. फेवरेट फूड लेम चाम्स. अच्छा, क्यों? देखे हम लोग, आपको पता है पठान लोग हैं और फूड में हम तो बहुत शौकीन है ना मटन के, तो इसलिए लेम चाम्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बनाते भी बहुत मजे के थे. तो बस वही मतलब मेरा फेवरेट है. अगर बहुत सारा फूड हो उसमें लेम चाम्स हो या लेम कढ़ाई हो तो मेरा फेवरेट वो. और किधर बेस्ट लैम चॉप्स और लैम कढ़ाई आपने खाई है? सबसे बेस्ट जो मैंने खाए लेम चाम्स पिशावर में. वो पिशावर में बनते हैं बहुत, लाइक उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि कैसे बनते हैं, ज्यादा एक्सपर्ट है इस चीज में. तो इसलिए पिशावर की जो एवा का एक है चरसी तिक्का के नाम से, तो वहां से मैंने खाया, तो वहां की कढ़ाई और लेम चाउस बहुत मजे के. एज ए इंटरनेशनल क्रिकेटर आप तो माशाल्लाह दुनिया के बेस्ट होटल्स में स्टे करते हो, जिधर भी आप जाते हैं. फेवरेट होटल कौन सा है? फेवरेट होटल ऐसा सोचा नहीं है फेवरेट होटल मतलब, लेकिन जो जिसके रूम अच्छे हो, जहाँ पे मैचेस के लिए जहाँ पे परफॉर्म हो रहा हो और जिस होटल में आप ठहरे हो तो होटल भी आपको अच्छा लगता है. लेकिन जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो फिर जिस तरह मर्जी होटल हो, फिर आप रूम से ही बाहर निकलते हो, आप कहते हैं यार ये क्या होटल है. लेकिन जब आप अच्छा करते हो तो फिर आपको हर होटल अच्छा लगता है. और फेवरेट सिंगर कौन सा आपका? सिंगर कोई नहीं है फेवरेट. अच्छा, म्यूजिक नहीं लाइक करते आप? म्यूजिक मतलब सुनता नहीं हूँ ऐसे कि बस अभी अकेले हो तो म्यूजिक सुनूं या उसको गौर से सुनूं कि ये के क्या रहे, कहना क्या चाह रहे. लेकिन ये है कि कहीं पे गाड़ी में जा रहे, किसी ने सॉन्ग मतलब लगाए हो या कई भी सॉन्ग नाद जो मर्जी हो बस सुन लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं. लाइक ऐसा नहीं है कि मैं खुद से शौकीन हूँ सुनने का. और फेवरेट प्लेस? आप तो ऑलरेडी माशाल्लाह आप सारी दुनिया आप फिरे होगे, लॉट्स ऑफ प्लेसेस. फेवरेट प्लेस कहते कि होम बेस्ट प्लेस होती, लेकिन होम से अलावा? अगर होम के अलावा आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि लंदन. लंदन मुझे पसंद है. नहीं, लंदन के बारे आपको क्या अच्छा लगता? लंदन में ये है कि फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, बहुत घूम फिरने की भी जगह अच्छे हैं. मुझे ज्यादा घूम फिरने का शौक नहीं है, लेकिन
लंदन में लाइक ऐसा माहौल है काफी ज्यादा, आपको अपने लोग भी मिलते हैं, अच्छे खाने भी वहाँ मिलते हैं, और जगह भी ऐसे हैं कि बाहर कंट्री में आप जाते हो तो बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम होती है आपको, पाकिस्तानी फूड और भी काफी सारी चीजें होती हैं, तो वो फैसिलिटीज वहाँ पे काफी अच्छे हैं। तो पाकिस्तान से बाहर अगर आप रहते हो, लंदन में हो, तो आपको समटाइम ऐसे फील होता है कि काफी सारी लाइक पाकिस्तान की चीजें हैं, पाकिस्तान दूसरा पाकिस्तान और फिल्म्स देखते हैं आप? है। फिल्म्स में अभी काफी अरसा हो गया अभी नहीं देखे, लेकिन तमिल्स की मूवीज में देखता था, और तमिल्स के ऑलमोस्ट मैंने सारी मूवीज देखी, बाकी मुझे नहीं मतलब अच्छे लगते, मैं नहीं देखता, लेकिन तमिल्स मूवी में देखता हूँ। अच्छा, तमिल फिल्म्स के कौन से फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं? फेवरेट तो कोई नहीं है, उनमें तो पता भी नहीं चलता उनके नाम क्या होते हैं, लेकिन ये है कि बस मतलब वही देखते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होती है, मारपीट होती है थोड़ा सा उसमें, मतलब वो अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो, इतना ज्यादा शौक नहीं है मूवीज देखने का, पर वो देख लेते हैं। समझ जाती है, आप तमिल बोल लेते हैं? नहीं, वो हिंदी डब में देखते हैं ना, अच्छा, तमिल तो समझ नहीं आती, लेकिन हिंदी डब में होते हैं समटाइम, उनमें से ऐसे मूवी होते हैं कि वो थोड़ा सा ज्यादा उसमें छोड़ते हैं ना, लाइक एक मुक्का मार के 10-12 बंदे हवा में होते हैं, वो फिर थोड़ा सा मजा नहीं करते, लेकिन जो थोड़ा सही स्टोरी वगैरह वाले होते हैं वो सही लगते हैं। और स्कूल जब आप पढ़ते थे, स्पोर्ट्स तो माशाल्लाह आप खेलते होंगे, क्रिकेट एक्सेट्रा, लेकिन दूसरे लेसन्स कौन आपके फेवरेट थे? लेसन्स दूसरे जो पढ़ाई में, लाइक मैथ्स, या कौन सा फेवरेट लेसन था स्कूल में? मैथ्स मुझे पसंद था, उसमें मेरे अच्छे मतलब मार्क्स आते थे जब मैं छोटा था, लेकिन वो तभी जब 20-20 जमा करो, 40-40 जमा करो, 80, फिर ये बाद में ये ब्रैकेट, ये अजीब किस्म के चीजें जब आ गए ना, तो फिर दिमाग वापस स्टॉप हो गया, तो फिर समझ नहीं आ रही थी कि ये ब्रैकेट में क्या है, ये तकसीम ही, लेकिन जमा जमा करने में बहुत अच्छे, जमा या माइनस दोनों में, तो हमारे स्कूलों में तो ये होता था कि बस 4वीं तक तो यही था कि जमा जमा करो या माइनस माइनस करो, फिर आगे जो बाकी चीजें आए ना, फिर समझ से बाहर हो गया काम, तो पढ़ाई का मतलब ये था। फेवरेट ग्राउंड कौन सी जहां आप सोफा खेले? फेवरेट ग्राउंड मेरा है, अभी तक जहाँ पे खेला हूँ, मेलबर्न अच्छा, मेलबर्न। मेलबर्न के बारे ऑस्ट्रेलिया। बताए, उसके बारे, ऑब्वियसली बिग ग्राउंड है, फैंटास्टिक फैसिलिटीज, क्यों आपको पसंद है मेलबर्न? देखिए, मेलबर्न में ये है कि एक तो ग्राउंड बहुत अच्छा है, और पिचेस बहुत जबरदस्त है, फुल ग्रीन, और जिस तरह क्राउड आया था, लाइक मैं फर्स्ट टाइम इतने ज्यादा क्राउड में, 1 लाख से ऊपर क्राउड आया हुआ था, और जब हम मैच खेले थे इंडिया क्लब, तो एक अलग ही फीलिंग थी, तो मुझे अच्छा लगा, वो स्टेडियम इतना बड़ा और सारा भरा हुआ था, तो बाकी स्टेडियम्स तो वही अच्छे लगते जहाँ पे आप परफॉर्म करते हो, लेकिन वो वैसे ही अच्छा। अपने टीममेट्स के बारे में बताएं, आपका बेस्ट दोस्त कौन है? कौन सा टीममेट है जो आप बहुत क्लोज और दोस्ती है? क्रिकेट में दोस्त वसीम जूनियर है, जिनके साथ लाइक अंडर 19 में मेरे साथ खेले हैं, और मतलब अभी रिसेंटली टीम में भी साथ है, तो खाना वगैरह में भी साथ जाते हैं, लेकिन काफी मतलब सारे दोस्त सारे अच्छे होते हैं, ऑब्वियसली आप पाकिस्तान के लिए खेलते हो तो सारे आपस में अच्छे अच्छे लोग हैं, तो लेकिन ज्यादा ये है कि ज्यादा क्लोज उसके साथ। और सब तो कौन सा टीममेट हंसाता है आपको? फनीस्ट गाय कौन है? एक तो मुश्किल हो जाएगा, दो है, हसन अली, और दूसरा जो है इमाम उलक, दोनों लाइक दोनों ही रौनक के हैं, हर टाइम हंसी मजाक चलता रहता है उनका। और तो हाँ,
सब तो अनटाइडी रूम, जब आप टूर में जाते हैं सबका लाइक अनटाइडी गंद, वो कौन से प्लेयर का रूम में होता है सबसे तो ज्यादा? मैं समझा नहीं सवाल को। जी, जो जो मैस नहीं होता रूम में अनटाइडी, जी जी कौन सा, किसका रूम सबसे तो ज्यादा मैस होता है टीममेट्स में? अभी तक जो मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा रूम इस तरह होता है कि उसमें मतलब जैसे आते हैं ना, तो वो नीचे जमीन को भी अलमारी समझ के कपड़े पहन रहा होता है, दानी शानवाज दानी। और अभी तक मैं उसके रूम में गया हूं तो उसका पता है। बाकी आप ये नहीं कह सकते कि गंदा, पर ये कि थोड़ा लेजी नवाज भाई भी थोड़े से है कि चिल होते हैं, लाइक वो इतना फिक्र नहीं करते कि रूम बिल्कुल क्लीन रखना। तो ये है फर्स्ट नंबर पे दान शाहनवाज दानी कि उसका रूम तो बिल्कुल ही ऐसा पड़ा होता है ना, गंदा नीचे जमीन में भी कपड़े पहन गए। और आखिरी सवाल नसीम, क्रिकेटर नहीं होते तो कौन सा जॉब आप करते हैं? तमिल एक्टर? क्रिकेट ना खेलते तो अल्लाह को पता पता होता कि क्या करते। लेकिन ऐसा कुछ खास मैं कहूंगा यही है कि कुछ पढ़ लेते और उसके बाद कहा जाते कई मजदूरी वजदूरी कर रहे होते।